हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेली परफॉर्मेंस हायर कर रही है लैंग्वेज इंटरप्रेटर जॉब के लिए, जो कि वर्क फ्रॉम होम है, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए कंपनी हायर कर रही है। तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या वर्किंग डेज होगा, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, क्या वीक ऑफ डेज रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या सैलरी डेट होगा, मैं टोटल इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस प्रकार टेली परफॉर्मेंस में आप अप्लाई कर सकते। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, मतलब ऐसा पहली बार हो रहा कि मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि मैं जो वीडियो कंटेंट लाता हूँ वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस का कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ। तो फिलहाल की जो वैकेंसीज आई हुई है टेली परफॉर्मेंस, अब प्रोसेस का नाम है लैंग्वेज इंटरप्रेटर। तो जो लोके प्रोसेस है वो लैंग्वेज लाइन सॉल्यूशन का, यहाँ पे आपका वर्क क्या है इस चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लीजिए यूएसए का डॉक्टर है और कोई अपने, जैसे यूएसए में क्या चलती है, इंग्लिश चलती है, तो इंग्लिश का भी फ्लुएंसी होनी चाहिए, मतलब नेटिव स्पीकर चाहिए इंग्लिश में, प्लस किसी भी रीजनल लैंग्वेज लाइक उर्दू हो गया, लाइक मराठी हो गया, तमिल हो गया, बंगाली हो गया, ये सब जो है ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, जो कि उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसमें टोटल 4 से 5 राउंड इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब यहाँ पे काम क्या रहा है कि लैंग्वेज को डबिंग करना है। सिंपल से कि मैं बात कर लूँ तो लैंग्वेज को डब करके, अगर अमेरिका का डॉक्टर इंग्लिश में बात कर रहा तो आपको, जैसे मान लीजिए कोई तमिल है तो तमिल को चेंज करके फिर आपको इंग्लिश में बोल के डॉक्टर को समझाना होगा, और अमेरिका का डॉक्टर जो बोलेगा वो इसको तमिल में डब करके फिर वो कैंडिडेट को समझाना होगा। ये आपका काम रहेगा, मतलब लैंग्वेज डबिंग का यहाँ पे जॉब रोल रहने वाला है। वर्क फ्रॉम होम है प्लस आपको कंपनी की तरफ से लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है, 5 डेज का ही वर्क है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ 24/7 रोटेशनल शिफ्ट रहेगा, 5 ही डेज काम करना है, 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी, रोटेशनल 2 दिन छुट्टी रहेगी। जो काम का रोल क्या है मैं थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रिस्पॉन्सिबल फॉर लिस्ट कर ले तो 12 वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हो, और एनी ग्रेजुएट डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। एज जो लिमिट है वो 19 साल का लड़का कुछ भी है वो भी अप्लाई कर सकता है, और 45 ईयर्स तक लाजिम से अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट शुड बी हाईली प्रोफिशियंट इन लैंग्वेज, स्पीकिंग इंग्लिश, फ्रेंच, एटीसी, कमांड ओवर इंग्लिश विद द गुड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इन रिक्वायर्ड, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इज रिक्वायर्ड, कैंडिडेट शुड बी गुड लिसनर, कैंडिडेट शुड बी एनर्जेटिक एंड शुड हैव द पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड इशू द हैंडलिंग, कैंडिडेट शुड बी फ्लेक्सिबल टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, 5 डेज वर्किंग है। और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि लैंग्वेज कौन कौन सी डिमांड किया गया है इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश तो नेटिव चाहिए ही चाहिए, प्लस इंग्लिश के अलावा कौन कौन से लैंग्वेज की डिमांड है। पंजाबी अगर आप जानते हैं तो मोस्ट वेलकम है, तमिल अगर आप जानते हैं तो मोस्ट वेलकम है, नेपाली अगर आप जानते हैं तो मोस्ट वेलकम है, उर्दू अगर आप जानते हैं तो मोस्ट वेलकम है, अगर फ्रेंच जानते हैं तो भी मोस्ट वेलकम, यानी 5 लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे डिमांड किया गया है, प्लस इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आपको 5.50 का LPA लगेगा, सैलरी जो है 45,000 है। तो इसके लिए मैं एक गूगल फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ। वैसे कैंडिडेट जो कि मोस्टली जम्मू कश्मीर से बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नेटिव इंग्लिश है, राइट, नेटिव इंग्लिश है प्लस नेटिव उर्दू भी है। उर्दू जानने का मतलब होता है कि आप उर्दू लिख सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं और उर्दू समझ सकते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। क्लियर है, किसी भी लैंग्वेज को समझने का 3 तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, पहला होता है स्पीकिंग, दूसरा होता है राइटिंग, और तीसरा होता है आपको उस चीज़ को समझना या लिसनिंग आप इसे कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ क्लियर होना चाहिए तो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दे दे रहा हूँ। वैसे कैंडिडेट जो कि मुझे पैन इंडिया से वॉच करे इंक्लूडिंग द जम्मू कश्मीर और जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, वो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकता है लैंग्वेज इंटरप्रेटर जॉब के लिए। तो ये वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे फॉलोअप कर लूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।